सब बच्चा प्रेजेंट हो गया? सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। टुडे विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए एक नजर डाला जाए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर थ्री पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का चल रहा है लेक्चर थ्री। आज पढ़ाएंगे लेक्चर थ्री, तो चलिए समझिएगा। देखिएगा बुआ, होता क्या है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा, जब ये कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कोई इधर भागता है, इन रैंडम डायरेक्शन इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब, जब इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो ये वाला हो जाता था प्लस, ये वाला हो जाता था माइनस। अब बुआ ये प्लस है तो ये भी प्लस होता है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस होता है। ठीक है, अब बैटरी जोड़ने के कारण व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता है बुआ प्लस से माइनस की ओर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होने लगता है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, सब बच्चा को पता चल गया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले लिया, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन था जो रैंडम मोशन इधर उधर, अब इस पे फोर्स लगने लगता है। कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? कोई बताइए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग जाएगा? QE, वेरी गुड। QE, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग जाएगा वो QE लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर। तो अब जो होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा बुआ, उस सब भागेगा इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेगा। तो आप बताइएगा, जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन भागता है बुआ, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ये भागता है बुआ, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। द वेलोसिटी विथ विथ
विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वेरी गुड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरीवन नोस दैट विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से भागता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और कोचिंग स्टार्ट करेंगे मंडे से, मंडे से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा सबका, ठीक है। अब देखिए यार, जिस वेलोसिटी से भागता है उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता करेंगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का विल फाइंड द फॉर्मूला। चलिए किया जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या बोले, ये फोटो बना लेंगे, फोटो बना लेंगे। अब कहानी देखिए, बोलेंगे क्या कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जन्म लिया, ऐसे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ ई इज द, इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द, इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, देन देन इलेक्ट्रॉन मूव्स, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा बुआ, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, इस डायरेक्शन में। वहीं लिख रहे हैं, इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर भागेगा, इधर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहां पे वही लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिखेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाई, अब फॉर्मूला हम दे रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाई। अब हम नीचे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रहे हैं। तो देखिए, हम लोग 11th में एक फॉर्मूला जानते थे मोशन में, कौन सा, तीन गो होता था फॉर्मूला। पहला ये वाला होता था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वी बराबर यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला 11th का बच्चा लोग जानता है कि नहीं जानता है, वी बराबर यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला सब बच्चा जानता है, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। इसी वेलोसिटी को हम कह लेते हैं वी डी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि पता चल जाए कि इस वेलोसिटी का नाम क्या हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिएगा, मान लिया जाए स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन का, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा यू क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी इज द टाइम, ठीक है।
मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि शांत बैठा हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो था, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज जीरो। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज नॉट प्रेजेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये मूव नहीं कर रहा था, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, वीडी बराबर यू के जगह जीरो, बचा क्या एटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया सब बच्चा को? वीडी बराबर एटी। चलिए इतना क्लियर, अब ध्यान से देखिएगा यहां पे ए इज द एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन को हम कैसे गायब करके दिखाते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, गायब करके दिखा देना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पे जन्म लिया, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मान लेते इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। तो इस निगेटिव चार्ज के ऊपर, इस निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ना, निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। कोई बता सकता है फोर्स कितना लगेगा? कोई बता सकता है इस पे फोर्स कितना लगेगा? कोई बता सकता है फोर्स कितना लगेगा? कोई बता सकता है फोर्स कितना लगेगा? जल्दी कोई बता सकता है? फोर्स क्यू ही लगेगा, फोर्स क्यू ही लगेगा, फोर्स क्यू ही लगेगा, है ना, फोर्स क्यू ही लगेगा। एवरीवन नोस कि फोर्स क्या लगेगा? क्यू ही लगेगा, फोर्स जो लगेगा क्यू ही लगेगा, है ना। तो यहां पे सब बच्चा जान चुका है कि फोर्स जो लगेगा वो क्यू ही लगेगा। तो चलिए इस पे फोर्स लगेगा क्यू ही, जो कि डायरेक्शन होगा इधर में, एफ बराबर क्यू ही, ठीक है, क्यू ही लगेगा। लेकिन असली में जो चार्ज है वो माइनस क्यू से नहीं दिखाया जा रहा है, किससे दिखाया जा रहा है? असली में चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन ई। तो इसलिए इस पे फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू चार्ज था तो क्यू ई, अब ई चार्ज है, चार्ज क्या कर दिए? ई कर दिए, तो हम लिख देंगे ई इंटू ए, ई इंटू ई, ठीक है ना। असली में चार्ज कौन है? ई है, तो E into E, तो F बराबर QE के जगह हम लिखेंगे F बराबर E into E। चलिए ये लिख देंगे। अब देखिए हम लोग जान गए एक चीज, F बराबर क्या हो जाएगा? E into E। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर में क्या लगेगा? E into E। आ एक चीज और जानते हैं हम लोग कि F बराबर होता है M into A, होता है कि नहीं होता? F बराबर MA होता है कि नहीं होता? 11 क्लास का कॉन्सेप्ट है, 11 क्लास का कॉन्सेप्ट है, F बराबर M into A। तो देखिएगा F बराबर E, F बराबर MA, दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? MA को बराबर कर देंगे E into E। तो यहां से a बराबर एक्सेलरेशन निकल के आ गया ee बाई m, ee बाई m, बस इतना ही। तो ee बाई m, तो यहां से हम a के जगह क्या रख देंगे? a के जगह ee बाई m। तो यहां से हो जाएगा vd बराबर a के जगह लिख देंगे ee बाई m, ee बाई m, और साइड में कैसे हो गया देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है साइड में कैसे हम ए के जगह ई बाई ए में रख दिए। आ ई टी को किताब देखिए कौन सा स्टाइल में लिख देगा, टी क्या है? टी इज द टाइम है, तो इस टाइम को देखिए ऐसे लिखता है टाउ, इस टाइम को लिख देता है ऐसे, ई टी को हम दूसरा स्टाइल में रख दिए टाउ। तो अब बहुत बच्चा बोलेगा टाउ क्या है सर, ई टाउ क्या है? तो हम बोले देखिए इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलेगा इधर में, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया,
चला, टक्कर हो गया, ठीक है, फिर टक्कर हुआ तो फिर चलना स्टार्ट किया, फिर यहां पे टक्कर हो गया, फिर चलना स्टार्ट हुआ, फिर टक्कर हो गया पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव आयन के साथ, फिर चला, फिर टक्कर हो गया पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन का। तो टाउ क्या है? टाउ है दो टक्करों के बीच, दो टक्करों के बीच कंटिन्यूअस लगातार, ई और इस के बीच नहीं है, लगातार टक्कर, मतलब एक ये, इसको सक्सेसिव कॉलिजन कहेंगे, लगातार टक्कर को सक्सेसिव कॉलिजन, दो टक्करों के बीच के समय को ये कहा जाता है, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है? टक्करों के बीच का समय है। टाउ क्या है? टक्करों के, दो टक्करों के बीच का समय, ठीक है। तो ये आपका निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, उतार लीजिए, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। चलिए उतार लीजिए सब बच्चा लोग, उतार लीजिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जल्दी उतार लेंगे, ये आपका फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सब बच्चा लोग उतार लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, ई ई बाई एम इंटू टाउ, अब बताएंगे कि टाउ क्या है, अभी बताएंगे, ठीक है ना, सब बच्चा लोग उतार लिया, सब बच्चा लोग उतार लिया, सब बच्चा लोग उतार लिया, ठीक है, हो गया सर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ई ई बाई एम इंटू टाउ। तो अब एक छोटा सा नीचे में लिख लेंगे, अब यहां पे हम इसको मिटाते हैं, अब टाउ के बारे में थोड़ा हम लिख दें क्या है टाउ, नहीं तो बहुत बच्चा टेंशन में आ जाएगा। तो लिख देते हैं, जहां पे वेयर टाउ इज द, इसको कहा जाता है वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इसको क्या कहते हैं टाउ को, रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ को क्या कहा जाता है, इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज कहने का मतलब, रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब, दैट इज टाइम, कैसा टाइम है, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, सक्सेसिव कॉलिजन मतलब क्या, कि ये जो टाउ है इसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। आप पूछे कोई कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि दो लगातार टक्कर हुआ है उसके बीच में, देखिए पहले ये टक्कर खाया, ये इलेक्ट्रॉन था आया पॉजिटिव के साथ टक्कर खाया, ठीक है, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पहुंचा तो फिर यहां पे पॉजिटिव के साथ टक्कर खाया, तो दो टक्करों के बीच समय हुआ होगा ना 5 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड, तो जितना भी समय हुआ है उसी समय को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, उसी समय को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, क्लियर हुआ, रिलैक्सेशन टाइम इट इज द टाइम, एक टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, लगातार टक्करों के बीच का समय है, लगातार टक्करों के बीच का समय है बुआ, लगातार टक्कर के बीच का समय है। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो लिख देते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, इसी चीज को देखिएगा इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो इन वेक्टर फॉर्म क्योंकि वेलोसिटी जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट दिस इन वेक्टर वेक्टर फॉर्म. इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ऐसे लिखा जाता है, वीडी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर मार दिए, बराबर ई ई, ये चीज वेक्टर है तो इस पे वेक्टर लगा दिए, बट्टा में मास इनटू टाउ. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, लेकिन माइनस लग जाता है, माइनस लग जाता है. बहुत बच्चा बोला सर माइनस का हाला लिख देता है वेक्टर फॉर्म में. हम बोले माइनस इसलिए लिख देता है बुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होता है. देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां होता है, अपोजिट होता है, हमेशा अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट होता है. तो ये माइनस शो करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा कहां है बुआ, अपोजिट डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है. तो निगेटिव साइन दिखाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. कोई दिक्कत, मेन फॉर्मूला ये है, वेक्टर फॉर्म वाला आईसी लिख दिया, इसका कोई काम नहीं होता है. ठीक है चलिए, तो यहां पे कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चा को, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हुआ. चलिए चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो गया, नो एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड, नो सर नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बता दिया इसका फॉर्मूला ई एम बाई टाउ. अगला मेरा टॉपिक है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है. सो टुडे वी विल एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन को बनाया जाएगा. एक बार 5 मार्क्स में पूछ दिया. चलिए तो देखिए अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बुआ. इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट करेंगे. तो इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. उतार लीजिए बुआ, उतार लीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगला टॉपिक जल्दी उतार लीजिए सब बच्चा लोग, उतार लीजिए सब बच्चा लोग, उतार लीजिए जल्दी जल्दी सब बच्चा लोग, उतार लीजिए जल्दी जल्दी, बात नहीं सब बच्चा लोग उतार लीजिए जल्दी जल्दी. हो गया सर, हो गया, वेरी गुड, हो गया. चलिए तो सब बच्चा को पता चल गया टॉपिक का नाम कि हमको आई और वीडी में रिलेशन बनाना है, तो हम बनाएंगे. बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि 5 मार्क्स में पूछता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं. आइए तो देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये कंडक्टर
है बाबू, कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बुआ, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, लेकिन पहले बता दे कंडक्टर का लेंथ है एल, कंडक्टर का लंबाई है एल, और आपका इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बुआ ए, इसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। अब हम क्या किए बुआ, किसको बैटरी से, बैटरी बैटरी जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिया गया है, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, तो जैसी बुआ बैटरी से जोड़ा गया तो ये वाला हो जाएगा बुआ प्लस, देखिए ऐसे जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा प्लस, और ये वाला बुआ माइनस। तो हमारा प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत फोटो में, कोई दिक्कत हुआ है फोटो में, कोई दिक्कत है कि क्या है ये, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर कंसिडरिंग अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। नाउ दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो है सब इधर भागने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगेगा, और जिस वेलोसिटी से ये भागता है बुआ, उसी से ये भागता है, जिस वेलोसिटी से ये भागता है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, जिस वेलोसिटी से ये भागता है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड वेरी गुड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड। चलिए तो पहले हम कहानी लिख लें इसका, तो पहले कहानी लिख लिया जाए, तो क्या कहेंगे, कंसीडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, लेंथ, ठीक है, लेंथ बोलिए एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज कनेक्टेड थ्रू is connected through battery, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए बुआ क्या लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, connected through battery, ठीक। चलिए अब मान लेते हैं बुआ, एवरी पर्सन इज नोइंग, एवरी पर्सन, जितना भी बच्चा है,
एवरी पर्सन इज नोइंग कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है. कंडक्टर विल हैव इलेक्ट्रॉन. मान लेते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है. मान लेते हैं कि इसके एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, मान लिए क्या कि एक मीटर के वॉल्यूम में के गो कंडक्टर है, तो एन गो कंडक्टर है बुआ. समझे कि कंडक्टर के एक मीटर के वॉल्यूम में हम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिए, एन गो. इलेक्ट्रॉन के गो है, एन गो. तो हम क्या बोलेंगे देखिएगा, लेट करते हैं, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम में, एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम, एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हम मान लेंगे, एन. तो हम क्या लिखे, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बराबर एन. कितना मान लिए कि के गो इलेक्ट्रॉन है बुआ, एन गो इलेक्ट्रॉन है. के गो इलेक्ट्रॉन है, एन गो इलेक्ट्रॉन है. एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में के गो इलेक्ट्रॉन है, एन गो इलेक्ट्रॉन है. मतलब कंडक्टर के अंदर एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में के गो इलेक्ट्रॉन है, एन गो इलेक्ट्रॉन है. अच्छा चलिए, हम पहले भी बताए थे बुआ, अगर एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, तो आपसे एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ. बोलिए क्लियर है कि नहीं है. अगर एरिया दिया हुआ है बुआ और लेंथ दिया हुआ है बुआ, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ. तो कोई बता सकता है कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, बताइए तो बुआ, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है बता दीजिए, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी बताइए, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा. फालतू बात मत कीजिए इधर, फालतू बात नहीं, जो फालतू बात करेगा ब्लॉक कर देंगे. कंडक्टर का वॉल्यूम बोलिए, ठीक है, कंडक्टर का वॉल्यूम बोलिए, एरिया इनटू लेंथ. वेरी गुड, एरिया इनटू लेंथ. देखिए एरिया है ए और लेंथ है एल, तो एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा. तो हम बोलेंगे वॉल्यूम का कंडक्टर जो हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ. वेरी गुड, सब बच्चा बता दिया. तो हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ठीक है, बराबर एरिया इनटू लेंथ. ठीक है, अब समझिएगा, यहीं पे समझना है, ध्यान से सुनिएगा. देखिए बुआ, हम माने हैं क्या कि एक मीटर क्यूब में, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के गो है, एन गो है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन. एक मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन का संख्या के गो है बुआ, एक में. एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या एन है. अगर इस कंडक्टर का वॉल्यूम मान लेते हैं 2 मीटर क्यूब होता,
तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितना होता, कुल इलेक्ट्रॉन एक में एन तो 2 मीटर क्यूब में कितना, 2n। चलिए मान लेते हैं इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो हो जाता 50 मीटर क्यूब, तो बताइए तो इसमें कितना हो जाता। तो एक में एन है तो 50 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 50 गुना n, है ना। मान लेते हैं इस कंडक्टर का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, तो बताइए तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो एक में n माने हैं तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 n। लेकिन असलियत में जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वो है कितना, a गुना l। तो al में, al वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का, कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, जल्दी बुआ बताइए। al वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए बुआ, बता दीजिए, बता दीजिए। al n, बहुत बढ़िया, n al n, चाहे nal, वेरी गुड, nal, al n, aln, ठीक है ना। al एक में इतना, तो इतना में n से गुना कर देंगे, इतना में n से गुना कर देंगे, देख रहे हैं ना प्रोसेस, देख रहे हैं ना, एक में n था तो 2 में 2n, 50 में 50n, 100 में 100n। लेकिन इसका असली वॉल्यूम जो है वो तो al है, तो कितना हो जाएगा, al इंटू एन, वेरी गुड। तो हम लिख देंगे al इंटू एन हो जाएगा। तो वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अगला क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर, कंडक्टर कितना हो जाएगा, एन ए एल। इस समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ, कैसे एन ए एल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एन ए एल, ठीक है। इतना उतार लीजिए सब कोई बच्चा लोग, इतना सब बच्चा लोग उतार लीजिए, इतना सब बच्चा लोग उतार लीजिए, एन एल लिखिए चाहे ए एल इंटू एन, अरे एन को इधर रखिए चाहे इधर रखिए, क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, हो गया उतर गया, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, अब यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम इसके अंदर, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना है एन ए एल। हम पूछेंगे इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का संख्या तो इतना है इसमें, लेकिन टोटल चार्ज कितना है। तो देखिए चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्यू बराबर एन इंटू ई, एन इंटू ई, क्यू बराबर एन इंटू ई, जहां एन होता है बुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां एन होता है बुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ई क्या होता है, 1.2 वाला बात है, है ना, 1.6 गुना 10 के पावर -19, है ना। तो यहां से
टोटल चार्ज क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हम निकाल के बैठे हुए हैं, एन ए एल, तो एन के जगह हम क्या लिख देंगे, एन ए एल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन ए एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन ए एल इंटू ई, तो ये हमारा आ गया क्या, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, एन ए एल ई। समझने में कोई दिक्कत हुआ, चार्ज कितना होगा कंडक्टर में, एन ए एल ई, कोई दिक्कत हुआ इसको समझने में, क्या समझने में कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ कि एन ए एल ई कैसे आ गया चार्ज, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कारण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग जानते हैं क्यू बराबर एन इंटू ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन ए एल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह एन ए एल लिख दिया, इंटू ई हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? अरे हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, यही ना हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जानते थे, चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, हमको चार्ज निकालना है, हमको कंडक्टर में क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, तो क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पहले ही मालूम है, एन ए एल, एन ए एल इंटू ई हो गया चार्ज, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो गया है क्या? कोई दिक्कत हो गया है सर, कंडक्टर के अंदर कैसे चार्ज रहता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए ना, हम लिए हैं इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो अब इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, होता है ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो वहीं लिखे हैं कि टोटल चार्ज इन द कंडक्टर एन ए एल ई, ठीक है, टोटल चार्ज इन द, बात नहीं जी, बात नहीं, ठीक है, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं कीजिए, जिस जो बात करेगा हटा देंगे उसको ग्रुप से, पढ़ना है पढ़िए, बात नहीं, एकदम साइलेंटली पढ़िए, ठीक है, देखिए बुआ, चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है, तो चार्ज होता है, तो वही ना, एक पे चार्ज होता है ई, एक पे चार्ज होता है ई, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन ए एल ई, मतलब देखिए चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना है, एन ए एल इंटू ई, बस इतना है, एन ए एल ई, ठीक है, यही मेन था बुआ, यही मेन था, जो बच्चा यहां पे समझ गया एन ए एल ई, अब समझिए कुछ नहीं है, तो अब हम लिखेंगे, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक करंट ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है आई बराबर होता है Q by T, होता है ना, I बराबर क्या होता है बुआ, Q by T, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, बताइए Q के जगह हम क्या लिख देंगे, N A L E, बस दो मिनट में अप्रूव हो रहा है, I बराबर Q के जगह हम लिख देंगे N A L E, को गायब करना है, तो देखिए
मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां आया है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है, ना तय करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो दूरी कितना तय करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो दूरी कितना तय करेगा, जल्दी बोलिए जल्दी जल्दी कितना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो दूरी कितना तय करेगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कितना, वेरी गुड, एल 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 एल, ठीक है ना, एल एल। अब एक बच्चा बोला सर गायब क्यों करेंगे, करेंगे नहीं जी, यहाँ टाइम है, गायब करेंगे तब ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, देखते रहिए, गायब करेंगे तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख के छोड़ के चल जाए, नहीं ना, हमारा मकसद है क्या, करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। करेंट तो मेरे पास है लेकिन इसमें कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाने के लिए यहां पे कुछ करना पड़ेगा, तो हम वही कर रहे हैं। तो टाइम बराबर होता है बुआ डिस्टेंस बाई, डिस्टेंस बाई स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, ठीक है, डिस्टेंस कहिए या वेलोसिटी कहिए। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है तो डिस्टेंस कितना, दूरी कितना तय किया, एल किया बुआ। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है तो दूरी कितना तय किया बुआ, एल किया। जिस वेलोसिटी से यहां चल रहा है, जिस वेलोसिटी से यहां चल रहा है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टी के जगह हम लिख देंगे एल बाई वी डी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम यहां से यहां आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, एल, और वेलोसिटी इसका कितना है यहां से यहां आने में, वी डी। तो टी के जगह हम लिख देंगे एल बाई वी डी, तो यहां से टी के जगह हम लिख देंगे एल बाई वी डी। तो अब देखिए, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया कि नहीं आया, आ गया ना, इसीलिए कर रहे थे गायब, एल से एल कट जाएगा और ये वी डी कहां चला जाएगा, ऊपर। तो आई बराबर एन ए, ठीक है, तो अब देखिए, तो अब देखिए, तो करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन मिला कि नहीं मिला, I बराबर एन ए वी डी, तो करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया, I बराबर एन ए वी डी, आई बराबर एन ए वी डी। क्लियर हुआ सब बच्चा को, तो देखिए करेंट भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, तो यहां से करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपका क्या, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर हुआ यहां पे, सबको क्लियर हुआ, पिक्सल को बढ़ाइए बढ़िया आएगा वीडियो क्वालिटी, कोई दिक्कत हुआ है, कोई दिक्कत हुआ है किसी को, बढ़िया तो आ रहा है, बढ़िया आ रहा है जी, ठीक है, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सा पिक्सल बढ़ाइए तो क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम 2 सेकंड में प्रूव कर दे सकते हैं, 5 मार्क्स में पूछेगा कि करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। तो पहले पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या हम क्या माने, एन, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होता है, ए एल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितना,
होता है एन ए एल, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा कंडक्टर में, तो एन ए एल ई, यहां से फिर करंट वाला आई बराबर क्यू बाई टी। तो ये क्यू था तो क्यू का मान रख दिए एन ए एल ई, और टी के जगह लिख देंगे एल बाई वी डी, कट उठ के आ जाएगा। तो ये था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। क्लियर हुआ? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, कोई दिक्कत यहां पे हो गया क्या? समझ में आया ये टॉपिक? क्लियर हुआ? कोई किसी को दिक्कत है इस टॉपिक में? किसी को दिक्कत है इस टॉपिक में? किसी को दिक्कत है इस टॉपिक में? किसी को दिक्कत है? टी को कैसे हटाएं? अरे टी को हटाएं दूरी बट्टा में चाल से, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से, ठीक है ना, डिस्टेंस बट्टा में वेलोसिटी से, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बस तो ये था आपका करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक ओम्स का लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।